अगर आपका भी अभी तक बीआर में मास्टर नहीं हुआ तो क्या कर रहे हैं, जीएम नहीं करना क्या? आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ 2 या 3 दिन में बीआर में मास्टर पुश कर सकते हैं। ये हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि आप पहले वीडियो देखें, फिर इन टिप्स को अपनी गेम पे अप्लाई करें, फिर आके हमें बताइएगा कि भाई वाकई ही आपने सही कहा था। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर एक भी टिप्स मिस होती है तो फिर काम खराब होता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलते हैं पहली टिप की तरफ, जो के होने वाली है रफेल और मिशा का लाजमी से इस्तेमाल करना। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको आगे जाकर पता चलता रहेगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो के होने वाला है सोलो डुओ स्क्वाड, कौन सा बेहतर है इनमें से रैंक पुशिंग के लिए। अब देखें ये तीनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। अगर आपके पास स्क्वाड अच्छा है तो आप स्क्वाड में खेल सकते हैं, अगर आपके पास डुओ अच्छा है तो आप डुओ में खेल सकते हैं, वरना सोलो ही सही। लेकिन हम आज आपको इन तीनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो के होने वाला है सोलो पुशिंग। अभी सोलो पुशिंग को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसके लिए आपके लिए समझना आसान होगा। अब जो पहला हिस्सा है उसमें हम सभी को ये गलतफहमी होती है कि जिसके ज्यादा किल होंगे उसका उतना ज्यादा प्लस होगा। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें आ जाता है 1 या 2 किल करके एंड तक सर्वाइव करना। अब बात करते हैं पहले हिस्से के बारे में, जिसमें हम सबको ये लगता है कि जितने ज्यादा किल्स होंगे उतना ज्यादा प्लस होगा। तो आपको बता दें कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। हम क्या करते हैं कि किल निकालने के चक्कर में रश कर देते हैं, जिससे हम भी मर जाते हैं। आपका प्लस उतना ही लगेगा जितना के सर्वाइव कर लगता है, या फिर शायद 1 या 2 प्लस ज्यादा लग जाए। अगर सर्वाइव करके आपका 28 प्लस लगता है तो किल्स निकाल कर भी आपका 29 या 30 प्लस ही लगेगा हद। अब सिर्फ 2 प्लस के लिए हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ना ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का पता है। और सोलो पुशिंग में तो थर्ड पार्टी का भी डर लगा रहता है, इसीलिए ये जो पहला तरीका है ये फ्लॉप है, यानी इसमें आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जो कि होने वाला है सर्वाइव करना, यानी कि 1 या 2 किल निकाल कर छिप जाना एंड तक। आपने रैंक पुश करते वक्त ये तो देखा होगा कि लॉबी में जो बंदे शो हो रहे होते हैं वो पूरी गेम में नहीं शो होते, और फिर लास्ट मोमेंट पर निकलते हैं और बुया लेकर चले जाते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि दूसरा तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो चले अब बात करते हैं सर्वाइव तो करना है लेकिन किस तरह से किया जाए। तो चले अब इसे भी आपको पॉइंट्स के सूरत में समझाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है, सोलो पुश करते वक्त आपने उस जगह पर उतरना है जहां पर बंदे बहुत ज्यादा लैंड कर रहे हों। अब ऐसा क्यों करना है आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो के होने वाला है किल करना। अब आप ऐसी जगह पर उतर चुके हैं जहां पर बहुत से बंदे लैंड कर चुके हैं। अब यहां पर उतर कर आपने पहला काम क्या करना है कि यहां पर उतर कर आपने 1 या 2 किल निकालने की कोशिश करनी है, ना कि लूट करनी है। अगर आपको एक भी गन मिलती है तो आप किल निकालने चले जाएं। अगर एक भी किल निकल जाता है तो इनफ है, लेकिन अगर 2 निकल जाते हैं तो क्या ही बात होगी। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, किसी भी गाड़ी की तलाश करना। चलें अब आपने किल्स भी निकाल ली, अब जो तीसरा पॉइंट है यहाँ से निकलना। अब यहाँ से निकलने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि किल करने के फौरन बाद आपको गाड़ी नजर आ जाए और वो पकड़ कर आप यहाँ से निकल जाए। अब अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती तो आपने किसी बंदे के हाथों मर जाना है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब कोई आपको मारेगा तो आप ऑटो रिवाइव हो जाएंगे और ऊपर हवा में आप इजिली गाड़ी की तलाश कर लेंगे, जो कि आपके स्कैनर में भी शो हो रही होगी। बस आपने करना क्या है कि उसके ऊपर उतरना है और उसे पकड़कर निकल जाना है। बंदे आपको अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश करेंगे फायर करके या फिर किसी और तरीके से, मगर आपने किसी की कुछ भी नहीं सुनना, बल्कि वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना है। आपको रस्ते में भी ऐसे बहुत से बंदे मिलेंगे जो कि फायर कर करके आपको बुलाने की कोशिश करेंगे, मगर आपने नहीं जाना। आपने ये तो सुना होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का। और अगर आप चले गए उसके पीछे तो फिर हाँ। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो के होने वाला है सर्वाइव करना। चले फर्ज करें कि आप वहाँ से बचकर निकल गए, लेकिन अब आगे आपने उस जगह पर जाना है जहाँ कोई भी ना आता हो इजीली। और ऐसी बहुत सी जगहें हैं फ्री फायर में जो कि आपको मैप में देखने को मिल जाएंगी, और अगर आपको इन जगहों के बारे में नहीं पता तो ऊपर आप लेफ्ट साइड पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें हमने हर जगह का बताया है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है जोन के साथ साथ चलना। चले फर्ज करें कि सर्वाइव कर करके जोन बहुत छोटा हो गया है, अब तो आपको सामने आना ही पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल जोन के साथ साथ एक सॉलिड कवर में रहना है, ग्लू वाल के कवर में नहीं, सॉलिड कवर में। अगर आप ग्लू वाल लगा लेते हैं तो सामने वाले को आपकी लोकेशन मिल जाएगी, फिर वो दे लॉन्चर पे लॉन्चर मारेगा। और थर्ड पार्टी करते करते किल निकालना है। अब आपको समझ आया कि हमने रफेल क्यों रखवाया था आपको स्टार्टिंग में, और लास्ट में आपने फैल्कन का लाजमी से इस्तेमाल करना है। अभी डुओ और स्क्वाड में किस तरह से खेला जाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है और इस बार हम आपके नाम लेना भी भूल गए थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर कर देंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।